प्योर टोन ऑडियोग्राम। वन ऑफ द कॉमनेस्ट टेस्ट वी परफॉर्म टू चेक योर हियरिंग इज अ प्योर टोन ऑडियोग्राम, ऑल्सो नोन एज PTA। PTA हम एक ऑडियोमेट्री रूम में करते हैं। ऑडियोमेट्री रूम की खास बात यह है कि वो साउंड प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि बाहर की एम्बियंट नॉइज से आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड चेंज हो सकते हैं और रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती। ऑडियोग्राम हम एक ऑडियोमीटर के ज़रिए से करते हैं। ऑडियोमीटर के ट्रांसड्यूसर्स और ऑडियोमीटर का जो साउंड आता है उसको रेगुलरली हम कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करके देखते हैं कि उसकी एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं। जब ऑडियोमीटर को कैलिब्रेट करके हम एक्यूरेट पाते हैं, तभी जाके हम ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। प्योर टोन ऑडियोग्राम का मतलब है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड आपके कान में दिया जाता है। हम 250 हर्ट्ज़ से शुरू करते हैं और 6 और 8 हज़ार हर्ट्ज़ तक इस साउंड को लेके जाते हैं। कुछ सिचुएशंस में हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियोग्राम है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल ऑडियोग्राम में 250 हर्ट्ज़ से शुरू करके हम 6 to 8 thousand हर्ट्ज़ तक चेक करते हैं। ऑडियोग्राम में दो मोड होते हैं स्टिमुलेट करने के लिए, AC और BC। AC का मतलब एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन इज द कंप्लीट कंडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम योर एक्सटर्नल ईयर थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मिडल ईयर, कॉक्लिया, द अकूस्टिक नर्व एंड फाइनली टू द ब्रेन। सो एनी एबनॉर्मलिटी इन हियरिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर एयर कंडक्शन ग्राफ। एयर कंडक्शन का टेस्ट हम सुप्रा ओरल हेडफोन या इंसर्ट हेडफोन या इंसर्ट ईयरफोन से करते हैं। ये कान के ऊपर या कान के अंदर लगाए जाते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है और हम पेशेंट को पूछते हैं कि जब आपको सुनाई दे आप हमको इंडिकेट करें कि आवाज़ आ रही है। बोन कंडक्शन हम ट्रांसड्यूसर्स आपकी बोन के ऊपर लगाते हैं, जो मैस्टॉइड प्रोसेस है। मैस्टॉइड प्रोसेस आपके कान के पीछे का एरिया होता है। यहाँ पर हम बोन ट्रांसड्यूसर्स लगा के आवाज़ क्रिएट करते हैं। बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड हमको कॉक्लिया या इनर ईयर हियरिंग ऑर्गन और उसके बियॉन्ड की इंटेग्रिटी बताता है कि यहाँ पर कोई सुनने में परेशानी है कि नहीं। टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर में ऑडियोलॉजिस्ट आपके कान के ऊपर हेडफोन्स लगाते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी वाइज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर हम 1000 हर्ट्ज़ से शुरू करते हैं। आपको पूछते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं। आपको बताते हैं कि अगर आवाज़ आए तो हमको इंडिकेट करें। कभी कभी आपके हाथ में एक बटन दे देते हैं और आपको बताते हैं जैसे ही आपको साउंड आए आप बटन दबाएं और ऑडियोलॉजिस्ट आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं। प्योर टोन ऑडियोग्राम एक फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ होता है। XY एक्सिस का ग्राफ होता है। फ्रीक्वेंसी वाइज हम जाते हैं 250 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 2, 4, 6 किलो हर्ट्ज और धीरे धीरे करके आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं। एक बार आपका ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है, ये एक सिंपल ऑडियोग्राम होता है। ऑडियोग्राम हम एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन अलग अलग करते हैं और दोनों कानों के लिए अलग अलग करते हैं। एक बार पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो ग्राफ होता है राइट ईयर का और लेफ्ट ईयर का अलग, और इससे हमें पता चलता है आपकी हियरिंग ठीक है कि नहीं, या अगर नहीं तो किस किस्म की प्रॉब्लम है। ऑडियोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन से हमको 3 अलग अलग टाइप की डेफनेस का पता चलता है। सबसे पहले है कंडक्टिव डेफनेस, यानी कि आपके एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप कम सुनते हो। इसमें आपके एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड लो हो जाते हैं। दूसरे किस्म की परेशानी है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल के दो हिस्से होते हैं, सेंसरी मतलब कि कॉकलिया में कोई परेशानी है और न्यूरल मतलब कि जो नर्व है उसमें परेशानी है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड से पता चलते हैं। एक तीसरा टाइप का हियरिंग लॉस है जिसको हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। मिक्स्ड हियरिंग लॉस कंडक्टिव डेफनेस की बैकग्राउंड में सेंसरी न्यूरल डेफनेस भी होती है, इसको हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। प्योर टोन ऑडियोग्राम एक बेसिक इन्वेस्टिगेटिव टूल है जिससे हम आपकी हियरिंग की असेसमेंट करते हैं। अगर आपका PTA एबनॉर्मल आता है तो हम आगे जाँच करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम आपको क्यों आई है। तरह तरह के और स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं जिसमें हम और भी जाँच करते हैं, जैसे कि स्पीच ऑडियोमेट्री, CC जिसका कहते हैं हम शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, और कभी कभी हम रिक्रूटमेंट फिनोमिनन के लिए भी जांच करते हैं देखने के लिए कि आपकी हियरिंग की प्रॉब्लम किस लेवल पर हो रही है। प्योर टोन ऑडियोग्राम के अलावा और भी सोफिस्टिकेटेड ऑडियोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।